गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू पेज नंबर 95 ऑफ इंग्लिश रीडर बुक। लेट स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द आंट्स हैव। चींटियों के पास क्या था? ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। सेकंड इज, वेयर आर द आंट्स कीपिंग द स्लाइस ऑफ ब्रेड। चींटियां ब्रेड के टुकड़े को कहाँ रखना चाहती थी? इनसाइड द होल, इनसाइड द होल। थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर दे मूविंग। वे कैसे चल रही थी? इन ए लाइन। कैसे चल रही थी? इन ए लाइन। हु कम्स आउट ऑफ द पोंड। तालाब से बाहर कौन आया? ए फ्रॉग, एफ आर ओ जी, फ्रॉग। वाई डू आंट्स बाइट द फ्रॉग। चींटियां मेंढक को क्यों काटना चाहती थी? क्योंकि इट वांट्स टू ईट देम। चींटियों ने फ्रॉग को क्यों काटा? क्योंकि आंसर आएगा इट वांट्स टू ईट देम, क्योंकि वो उन्हें खाना चाहता था। सेकंड पार्ट, इन सर्कल द एक्शन डूइंग वर्ड्स इन द लेसन एंड राइट ओनली 5 ऑफ देम। देखो बेटा, जो लेसन में एक्शन वर्ड आए हैं उन्हीं सभी को हमने सर्कल करना है और उनमें से 5 वर्ड्स हमने लेकर यहाँ पर राइट करना है। आप कोई भी 5 वर्ड्स यहाँ पर राइट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट मैंने ये 5 वर्ड राइट किए हैं यहाँ पर, गोइंग, जी ओ आई एन जी, गोइंग, ये लेसन में आया हुआ है। जो भी ये वर्ड है सारे लेसन में आए हुए हैं। टेकिंग, टी ए के आई एन जी, टेकिंग। कीपिंग, के डबल ई पी आई एन जी, कीपिंग। एम ओ वी आई एन जी, मूविंग। ई ए टी आई एन जी, ईटिंग। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।